दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए यहां पर इस वीडियो के अंदर तीन अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। तो देखिए, रोजगार समाचार अपडेट के अंतर्गत सबसे पहली अपडेट आप सभी के लिए शिक्षकों की कमी। बजट में भी शिक्षा विभाग की भर्ती के लिए अलग से कोई अभी तक घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ कंप्लीटली यहाँ पर बताया गया है कि हम इतने 1 लाख पदों पर जो है भर्तियों को रिलीज करेंगे। लेकिन जब तक इसका कंप्लीट कैलेंडर नहीं आता है कि कैलेंडर के अंदर कहाँ पर कितने पदों का यहाँ पर जो है विवरण रहेगा, तब जाके हमें यहाँ पर जो है स्थिति क्लियर होगी। तो शिक्षा विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में 3,70,000 में से 1,24,000 पद जो है वो खाली हैं। और इनके अंदर देख सकते हो प्रधानाचार्य के आपके 7,090 है, व्याख्याता के 12,846 है, वरिष्ठ अध्यापक के 25,396, अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड के 23,280, पीटी थर्ड ग्रेड के आपके यहाँ पर इसके अंदर जो है आपके 804 है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 359 है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3,873 और पूर्व प्राथमिक अध्यापक के 1,728 पद अभी भी इसके अंतर्गत खाली है। तो बजट घोषणाओं से भी बेरोजगारों में निराशा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि 1 लाख पद है, लेकिन 1 लाखों के अंदर भाई कैलेंडर तो दो आप, किसके अंदर कितने कितने पदों पर रिलीज होगी, शिक्षा विभाग में कितना है और बाकी जो भी अदर डिपार्टमेंट है उसके अंदर कितना है। तो जब तक कैलेंडर नहीं आता है ना, तब तक यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंतर्गत कुछ भी जो है क्लियरेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि शायद अभी कल का ही अपडेट है कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट को जो है अलर्ट भी किया है भजनलाल सरकार के अंतर्गत, जहां पर कहा गया कि जल्द से जल्द जो भी आपके पदों का विवरण है वो दिया जाए ताकि कैलेंडर रिलीज किए जा सके। देखिए अगला, डीसी और कलेक्टर कार्यालय में भर्ती होगी 2000 एलडीसी की। ठीक है, भर्ती के लिए एससी व एसटी वर्ग का बैकलॉग। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर आपके जितने भी राजस्व मंडल के अंदर जो कार्यालय है तो वहां पर आपके जो है आप बहुत जल्द एलडीसी की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 2000 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अगस्त तक सभी जिलों को करनी होगी अपनी डीपीसी जारी। ठीक है, और 84 यहाँ पर यानी 84 बाबुओं की भर्ती की अभ्यर्थना भेज चुका है राजस्व मंडल। ठीक है, राजस्व मंडल और आरए कार्यालय में 84 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती की जाएगी। मंडल एवं मंडल के अधीनस्थ कार्यालय में वरिष्ठ सहायकों के वर्ष 2023-24 की विभाग की पदोन्नति समिति के आयोजन एवं संशोधित कैडर रिव्यू के बाद मंडल और मंडल के अधीनस्थ कार्यालय में कनिष्ठ सहायकों की सीधी भर्ती के अब 84 कुल जो है पद इसके अंतर्गत बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपके 2000 पद जो है वो आपके डीसी और कार्यालय कलेक्टर के अंतर्गत जो है रिलीज किए जा सकते हैं। इसके बाद है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है धीरे धीरे भर्तियों का जो है सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के सीधी भर्ती के अंतर्गत 500 पदों के अंतर्गत 461 नॉन टीएसपी और 61 टीएसपी के पदों पर जो है भरने के लिए आरएसएसबी को अभ्यर्थना भेज दी है। कल ही जी अभ्यर्थना वहां पर मिल चुकी है, तो अब बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है आपको वैकेंसी को लेकर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अभी यहाँ पर बहुत सारे साथी यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक और जो भी भर्ती है उनको लेकर यहाँ पर चिंता में है। तो अभी देखो, ऐसा नहीं कह सकते आपके नहीं आएगी भर्ती, बिल्कुल आएगी। ठीक है, ये जो पद है वो बैकलॉग के अंतर्गत है। अब कुछ नए पोस्ट क्रिएट होगी तो वो इनके साथ ऐड होगी, उसके बाद आपको एक फाइनल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखो, नई पोस्ट क्रिएट होगी तो इस भर्ती आएगी, तो सीधी सी बात है कि ये तो पद वो है जो आपके ऑलरेडी बैकलॉग यानी खाली रह चुके हैं पहले से। ठीक है, जिसके अंदर पदों को भरा नहीं गया था, तो इसके अंदर पद ऐड होंगे तो आप मिनिमल आप गारंटीड मान के चलिएगा कि यहाँ पर जो भर्ती आएगी वो लगभग लगभग आपके 5 से 6 हजार के बीच में आपको मिनिमल देखने को मिलेगी। ठीक है, कम से कम इतने पद तो इसके अंदर ऐड होंगे ही होंगे, और पद ऐड होंगे तो फिर आपको पता है पदों के अंतर्गत जो भर्ती है वो बड़े पदों पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने पहले भी ये कहा था, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि भर्ती जो है आपके 5000 प्लस पदों पर आएगी ही आएगी। ठीक है, और इस ईयर में जल्द से जल्द जितनी भर्ती आएगी उतना ही जल्द से जल्द आपका एग्जाम भी होगा। और एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी को पता होगा कि आपको कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम चाहिए होगा। जो सिलेबस है कंप्यूटर अनुदेशक का, उसके हिसाब से आपको कम से कम 6 से 7 महीने तक आपको यहाँ पर जो है इसको कम से कम तैयारी 6 महीने की आपको मांगी जाएगी। उसके बाद रिवीजन आपका अच्छे से होना चाहिए, तब जाके आपका शानदार एग्जाम यहाँ पर जो है पुट आउट होगा। ठीक है, बाकी और भी हम जैसे जैसे अपडेट आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट से आप मिस ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।